हाँ ठीक है ठीक है सर, आप लोग खत्म करने के बाद सब पीछे लग जाए, आप लोग फोटो लेने के बाद हट जाइए, फिर पीछे खोल दो यार, बैक वाले जो पोर्शन है वो भी दिखाई देगा, लास्ट 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 ऐसे नहीं ऐसे जैसे हमने तो नीचे दो प्लेस नीचे करो, लेफ्ट फ्रंट सामने पीछे भी एक मिनट सर, सारे और सर एक बार अरे पूरा कॉल करने का बैठ जाओ भैया, बाकी सब हो गया, आप बैठ जाओ यार, धन्यवाद सर, राइट साइड में थैंक यू, हो गया एक कॉपीस्ट हो गया बॉस सर, राइट साइड में, राइट साइड में। तो नगर निगम चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें क्या बड़ी बातें हैं वो हम इंतजार कर रहे हैं कि बताया जाए। हालांकि कुछ बातें वो शुरू से कहते आए हैं कि दिल्ली वालों को आरओ का पानी देंगे, सभी को साथ लेके चलेंगे, जो कम्युनल पॉल्यूशन हुआ है उसे खत्म करेंगे, कांग्रेस मेरी चमकती दिल्ली का सपना साकार करेगी, जो इस शहर की पहचान कभी शीला दीक्षित जी ने बनाई थी हम उसे साकार करेंगे। तो ये बातें अनिल चौधरी कहते हुए नजर आए थे तमाम कांग्रेस के नेता। तो 2022 के लिए घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी जारी कर रही है और आरोप लगाया उन्होंने दिल्ली की सरकार पर भी, निगम की सरकार पर भी, निगम दिल्ली नगर निगम पर भी, और फिर शीला दीक्षित का ही वो जिक्र करते हैं कि मेरी चमकती दिल्ली का सपना हम साकार करेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी। पानी के मुद्दे पर वो पहले ही बात कर चुके हैं, गलियों को बेहतर करेंगे, सीवर को बेहतर करेंगे, इस तरह की बातें वो लगातार कर ही रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी जिक्र उन्होंने पिछले दिनों किया ही था।